सकता है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन बार बार सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे थे सुनवाई के दौरान कि एएसआई की रिपोर्ट को नहीं माना जाना चाहिए। तमाम तरह के सवाल उस पर उठाए गए थे। एक तरह से मुस्लिम पक्ष के लिए यह झटका है क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष से साफ कह दिया था कि एएसआई की रिपोर्ट पर अगर आपको कोई आपत्ति थी, आपको हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान साथ ही यह भी कहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आपको एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाना चाहिए था अगर आपका कोई विरोध था तो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। एएसआई की रिपोर्ट से साबित होता है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई। मुस्लिम पक्ष को एक और झटका। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी। कोर्ट का कहना है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और यह एएसआई की रिपोर्ट से साबित होता है। एएसआई की रिपोर्ट से साबित होता है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मस्जिद के नीचे एक विशाल संरचना पाई गई थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट से मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एएसआई की रिपोर्ट यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट खारिज नहीं की जा सकती है। और 2003 में यह खुदाई हुई थी, आप याद करिए, 2003 में हाईकोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन पर खुदाई करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विवादित जमीन पर मस्जिद के नीचे जो संरचना मिली है वो इस्लामिक ढांचा नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ढांचे के नीचे यानी मस्जिद के नीचे जो संरचना मिली, जो ढांचा मिला, वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन चली सुनवाई में इस पर भी बहुत बहस हुई थी। मुस्लिम पक्षकारों ने कभी कहा कि ये खाली जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी, फिर कभी कहा कि जो संरचना नीचे मिली है वो ईदगाह भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है वो दोनों दावे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है एएसआई की रिपोर्ट खारिज नहीं की जा सकती, रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, मस्जिद के नीचे विशाल संरचना पाई गई है जो कि इस्लामिक ढांचा नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी एएसआई की रिपोर्ट एक बार फिर से अहम सबूत साबित होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक फैसला सुनाया है उसके मुताबिक मस्जिद के नीचे विशाल संरचना थी जो कि इस्लामिक ढांचा नहीं था।